पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या बात है, क्या बात है उमा जी। ए, कैसा लग रहा हूँ वैसे आज? मैं लग कैसा रहा हूँ ऑडियंस? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम पता है कैसे लग रहे हो? कुशल खड़े हो ना? गर्दन के नीचे सेम। कुशल भाई, आपको परी भाई इकलौते ऐसे मर्द है जिन्होंने गर्दन से नीचे नोटिस किए। बहुत याराना लगता है। उमा जी, पहले दो एपिसोड के बाद मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे तो जीजा जी लोग भी कह रहे हैं कि हमको जी मत बोलो, सिर्फ जा बोलो। मेरे पड़ोस में एक अंकल आंटी है, वो कहते हैं मेरे माँ बाप से आके कि हमें तो पहले से ही पता था कि आपका बेटा कुछ बड़ा करेगा। और ये वही अंकल आंटी हैं जो अपने बच्चों को कहते थे कि अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो हर्ष अंकल जैसे बनोगे। और मुझे इस बात में सबसे बुरा इस चीज का लगा कि अंकल कौन है यार। मेरे मोहल्ले में पिताजी हमारे किराने स्टोर पे जाते हैं, उन्होंने पैसे लेने बंद कर दिए। कह रहे नहीं गुजराल साहब, पैसे की जरूरत नहीं, बस अपने बेटे से कहो कि हमारी दुकान का नाम एक बार सोनी टीवी पे ले ले। अब मैं आधा किलो चीनी के चक्कर में देशमुख जनरल स्टोर प्रमोट कर दूंगा अभी। ये गलत बात है। मैंने आज तक अपने पापा के रेस्टोरेंट सलीम्स का नाम लिया क्या? और क्या? और ये क्या बात होती है कि चाय सी मोहब्बत किताब बेस्ट सेलर हो गई है, खरीद लो। मेरे पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बेटा वायरल हो गया, फेमस हो गया, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा पापा मैं सोनी टीवी पे आया हूँ। कह रहे मैं भी परसों टीवी पे आया था। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा इस आदमी ने क्या कर दिया जो ये टीवी पे आ रहे हैं। कह रहे परसों से अपनी शादी की कैसेट लगा के बैठे। कह रहे देखो मैं भी हर्ष की तरह। रात को पापा थोड़े माहौल में थे, अपनी शादी की कैसेट में, कह रहे वो देखो हर्ष भी दिखाई दे रहा। मैंने कहा ऐसा नहीं, सेलिब्रिटी। सिर्फ एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली है, दोस्त बिल्कुल नहीं बदले हैं। वो पहले भी इज्जत नहीं कर रहे थे, आज भी इज्जत नहीं कर रहे। बस। लेकिन एक बात तो तय हो गई है पहले दो एपिसोड के बाद कि जिस गली में हमें क्रिकेट खेलने के लिए मना किया जाता था, जिस छत पे हमें पतंग उड़ाने के लिए मना किया जाता था, आज उसी गली में उसी छत पे जो है 9:30 बजे सैटरडे संडे मैडनेस मचाएंगे। हमारी आवाजें गूंज रही होती है। क्या आवाज है हुमा? क्या आपने कभी चाय में इडली डुबो के खाई है? क्या कभी आपने गुलाब जामुन की चाशनी के साथ तीखे चिप्स लगा लगा के खाए हैं? यक। दही और कोल्ड ड्रिंक, दही और कोल्ड ड्रिंक। फेस क्रीम से ब्रश कर लिया? अतरंगी लग रहा है ना? वैसे ही आज का हमारा कॉम्बो अतरंगी, जो हमारा आज के गेस्ट है वो अतरंगी है। ओह माय गॉड। उनमें से एक जो है वो इंटरनेट सेंसेशन है और दूसरे जो है वो आज के नहीं है, वो बहुत पुराने हैं। वो उस टाइम से फेमस है जब चिट्ठी चलती थी और आज भी फेमस है जब चैट चलती है। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज उर्फी जावेद। बेबाक अंदाज और उससे भी ज्यादा अनोखे कपड़े पहनने के लिए फेमस, द इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद। और भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। आज मची है असली मैडनेस भाई। एक ऐसे हैं जिनको देख के हम बड़े हुए हैं और एक ऐसी हैं जिनको देख के बच्चे बड़े हो रहे। उर्फी बहुत अच्छा लगा आपको देख के, लॉन्ग टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अनूप जी की, इसीलिए मैं उनका पेट अपने कानों में लटका के आई हूँ आज। सर आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं आपको पास से देख रहा हूँ। उर्फी को तो एक दो बार जूम किया है मैंने, लेकिन मतलब जलोटा जी आप उर्फी के साथ एंट्री कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए कुछ ऐसा ही करो कि लोगों को पता ना हो कि ये भी हो सकता है। किसी पंडित जी के साथ आऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो हो ही सकता है, लेकिन उर्फी के साथ आना बड़ी बात है। अरे क्या बात है अनूप जी, आप चाहे जितनी अच्छी लाइनें बोल लीजिए शॉट मेरे ही लगेंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखो आज गजल सिंगर के चेहरे पे आइटम सॉन्ग वाली चमक है। है ना, है ना, है ना। बहुत सही, बहुत सही। डैम गुड। हाय वसी, प्लीज बैठिए आप लोग। मैं
मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का लड़का हूँ और आज हमारे दोनों गेस्ट भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। उर्फी लखनऊ की है और अनूप जी आप भी लखनऊ के ही हैं। सर लखनऊ की कोई बेहतरीन चीज़ बताइए ना। लखनऊ के लिए कहते हैं कि लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ, और किसकी जरूरत जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की लैंग्वेज, लखनऊ का खाना पीना, टुंडे कबाब, वो तो लखनऊ शहर से ये दोनों है। रेंज देख रहे हो लखनऊ शहर की? रेंज देखिए। वाह वाह वाह, खाने पीने और तहजीब की बात ये कर रहे हैं। सर तहजीब कभी कभी थोड़ी बदल भी जाती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे लोग बहुत तहजीब वाले हैं, लेकिन मैं एक बार शो करने जा रहा था परी भाई वहाँ पे, और मेरी गाड़ी टकरा गई और अंदर से एक बंदा निकला, मैंने उसको सॉरी बोला तो उसने से सर गाली दे दी आगे मुझे। वो कानपुर से आया होगा। हर्ष ने लेदर की जैकेट भी इसीलिए पहनी क्योंकि सस्ती मिलती है ना कानपुर में। खबरदार इसको लेदर बोला तो, रैक्सी ही नहीं है। एक्चुअली मुझे दो हफ्ते पहले ही पता लगा कि ये पड़ोसन है मेरी, मैंने बताया मैं कानपुर से हूँ, ये लखनऊ से है, तो मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं पता लगा मुझे, है ना भाई, पड़ोसन आपकी इतनी सुंदर हो आदमी रोज चीनी लेने जाए, और खाली हाथ लौट आए उमा जी। क्यों? वो खाली हाथ इसलिए लौटा ना, जिन बर्तनों में लानी होती वो तो ये पहन के घूम रही होती। स्वीट लगती है मुझे बहुत। पिछले हफ्ते मेरी इससे जब पहली बार फोन पे बात हुई तब मुझे पता लगा। मैंने हर्ष को कॉल किया था। हाँ, इसने मुझे कॉल किया। मैंने नंबर लिया था एक फ्रेंड से। एक सेकंड, मुझे जानना है। हाँ, क्यों कॉल किया? क्या? अरे मुझे क्यूट लगा था। ये क्यूट लगा था? ये फनी लगा था तो मतलब। तुम लोग तो ऐसे सारे बोल रहे हो, सारे लोगों ने चख रखा मुझे। ये गाइस मुझे कोविड हुआ था तब से मेरा टेस्ट खराब हो चुका है। ये तब ठीक है, लेकिन इतनी शरीफ है अपनी अपनी उर्फी, इतनी बेहतरीन लड़की है, एकदम घरेलू टाइप की लड़की है। ये आपको नहीं पता हुमा जी, ये सब्जियां वगैरह भी खरीदने जाती है तो खुद जाती है। अच्छा, आप समझ रहे हो, खुद सब्जी वाले के पास जाती है और कहती है भैया आपका चेंजिंग रूम कहाँ है ये बता। मुझे गोभी के पत्ते ओढ़ के देखना है। इसने अपना एक्टिंग करियर छोड़ा था क्योंकि ये रैपर बनना चाहती थी, उसके बाद से रैपर ही पहन के घूम रही। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पास पूरी खबर है तुम्हारी। क्या सिर्फ तुम मेरे से एक तरफा प्यार करती हो? क्या बात है। जलोटा जी बैठे इतनी देर से, वो कह रहे मेरी बात नहीं हो रही, मुझे गेस्ट बुलाया। सर आप जैसा मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये इस उम्र में कर ले रहे मैं इस उम्र में नहीं कर पा रहा। ये इकलौते ऐसे बंदे हैं, वाहिद इकलौते ऐसे बंदे हैं जिन्होंने हारमोनियम बजा के लड़की इंप्रेस कर ली। और वो मैं रोज बजाता हूँ। अरे यार, अरे यार। रोज बजाता हूँ तो रोज इंप्रेस करता हूँ। सर ये पूरा बोला जाता है। इस शो में आने से पहले चैनल वाले ने इनको फोन किया हुआ तो कह रहे थे 10 लाख रुपए मैं लूंगा आने के। अच्छा, 10 लाख रुपए। उसके बाद मैंने इनको बताया कि उर्फी आपके बगल में बैठेगी, इधर आपके हुमा बैठेगी, आगे 5-7 परफॉर्मर्स है, उसमें भी 2-3 लड़कियां हैं। कह रहे तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा, 10 लाख दूंगा मैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी और उर्फी में और अनूप जी में कॉन्फिडेंस सेम है। कैसे? तीनों जो है ना वो छेद वाली बनियान पहन के कहीं भी निकल लेते। क्या बात, फैब फैब। उर्फी एक बार तो उठ के आना चाहिए था बीच में मुझे मारने के लिए। मैं खो गई थी तुम्हारी आंखों में। हो गया, पेमेंट नहीं चाहिए। मुबारक हो। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्फी। हुमा जी, मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना हम अपना शो का नाम जो है मैडनेस मचाएंगे से चेंज करके शादी मचाएंगे रख देते। गुड, क्योंकि भैया आपने ट्रेंड देखा ही नहीं अपने पहले दो एपिसोड का। पहले एपिसोड में हमने मुनावर का जो है वो स्वयंवर रचा दिया था। हा, हा, हा। दूसरे एपिसोड में अरबाज भाई की शादी करा दी थी। yes. और इस वाले एपिसोड में हम लोग उर्फी की शादी कराने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज हेमांगी एंड गौरव। तो गाइज, मैं हूं लाइव और हमारे उर्फी के घर में मेरे बेटे का रिश्ता कराने। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।